जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आज हम पार्ट 2 मीठे बोल पढ़ेंगे। अब मीठे बोल और कड़वे बोल क्या होते हैं, है ना। मीठे बोल कोयल सबको अच्छी लगती है। कोयल जब भी बोलती है तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह, कोयल कितना मीठा बोल रही है। और जैसे ही कौवा बोलता है तो कौवा काँव काँव करता है, तो उसका बोलना किसी को नहीं सुहाता, है ना। कोई ज़्यादा बोलता है या कड़वा बोलता है तो कहते हैं ना कि क्या कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है। तो हमेशा हमें मीठा ही बोलना चाहिए, कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि समय तो बीत जाता है मगर जो कड़वे बोल होते हैं वो हमेशा चुभते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों, आप लोगों को भी, अपने बराबर की उम्र के बच्चों को, बड़ों को, सबको आदर से मीठा बोलना चाहिए। कभी भी हमें कड़वा, किसी को भी, किसी का जी दुखे मन दुखे ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी से भी। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी के पात्र हैं हमारे एक दुकानदार, खरगोश और लोमड़ी। तो कहानी को हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। एक खरगोश दुकानदार के पास गुड़ लेने जाता है और दुकानदार से प्यार से गुड़ मांगता है कि दुकानदार भैया मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो दुकानदार उसे खुशी खुशी गुड़ दे देता है। जैसे ही लोमड़ी को पता चलता है कि खरगोश मांग के गुड़ लाया है तो लोमड़ी खरगोश पे हंसने लगती है कि अरे खरगोश, तू तो मांग के लाया, मूर्ख है, मैं तो उससे डरा धमका के गुड़ लेके आ जाऊंगी। लोमड़ी दुकानदार के पास गई और लोमड़ी ने दुकानदार से कहा कि दुकानदार तू मुझे गुड़ दे वरना मैं तेरी शिकायत ऊपर अदालत में कर दूंगी कि तू मिलावट करता है। तो दुकानदार ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए गुड़ का पूरा बोरा भर के लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी बड़ी खुश हो गई, अरे वाह, दुकानदार तो मुझसे डर गया। तो जैसे ही लोमड़ी ने गुड़ खाने के लिए हाथ बोरे में डाला तो बोरे के अंदर बहुत से चींटे भरे हुए थे, है ना, मकोड़े बोलते हैं जिसको, चींटे भरे हुए थे। वो चींटे सारे लोमड़ी के हाथ पे चिपक गए और जोर जोर से काटने लगे और उसके बाद में लोमड़ी दर्द से कराह उठी, चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, ऐसे करते हुए अपना हाथ पटकते हुए वो जंगल की तरफ भाग गई। लोमड़ी गुड़ तो नहीं ले पाई मगर उसने अपना हाथ पटक पटक के घायल कर लिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली बच्चों कि हमें कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। जो काम हमें प्यार से मीठे बोलने से होता है वो कभी भी अकड़ के हम कड़वा बोल के वो काम हम अपना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं आज। एक खरगोश था। कौन था सबसे पहला हमारा इस कहानी में पात्र है? खरगोश। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। एक खरगोश घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? एक बाजार में। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पे पड़ी। बहुत सारा गुड़ रखा हुआ था दुकान पे, तो उसकी नज़र मतलब उसकी, उसने गुड़ को देखा। वह सोचने लगा कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए। वो मन ही मन, कौन खरगोश, मन ही मन सोचने लगा कि कितना अच्छा हो जाए कि थोड़ा सा गुड़ मुझे भी खाने को मिल जाए। खरगोश की इच्छा, अब कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं हम, जैसे मिठाई की दुकान के पास से गुजर रहे हैं तो हमारे मन में क्या इच्छा होगी? अरे वाह, मीठा खाने वाले को ये इच्छा होगी, अरे वाह, ये गुलाब जामुन मुझे खाने को मिल जाए। तो ऐसे ही इच्छा खरगोश को भी हुई कि कितना अच्छा हो कि थोड़ा सा गुड़ मुझे भी खाने को मिल जाए। पर कैसे? अब खरगोश ने सोचा कि पर कैसे कैसे गुड़ मुझे मिल सकता है? चुरा लूँ? एक बार उसके मन में आया कि चुरा लूँ क्या, चोरी करने का उस खरगोश के मन में आ गया। फिर नहीं नहीं, खरगोश ने दोबारा सोचा कि नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। अब खरगोश अच्छे विचारों वाला था, उसने पहले तो एकदम उसके मन में आया कि चुरा लेता हूँ, फिर मन ही मन सोचा कि अरे नहीं नहीं, चोरी करना तो बुरी बात है, है ना बच्चों, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। कि अगर आपको कोई भी चीज़ की इच्छा हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो अपने से बड़ों से मांग लेनी चाहिए, मगर कभी भी चोरी का ख्याल दिमाग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार चोरी की आदत पड़ गई तो वो आदत बहुत मुश्किल से छूटती है और फिर आप पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, है ना। तो आप बार बार चोर कहलाओगे, तो इससे अच्छा है कि कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप अपने बड़ों से, दोस्तों से मांग लीजिए, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है। तो खरगोश ने भी यही किया, उसके मन में एक बार तो आया कि चुरा लो, फिर उसके मन ने वापस आवाज़ दी कि नहीं नहीं, चोरी करना तो बहुत बुरी बात होती है, क्यों ना मैं दुकानदार से ही मांग लूँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं, मांगने में क्या हर्ज है, देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। तो खरगोश ने सोचा कि दुकानदार से ही मांग लेता हूँ मैं गुड़, तो वह ज़रूर गुड़ दे देगा। खरगोश ने सोचा कि भी दुकानदार से मांगूंगा तो दुकानदार मुझे गुड़ ज़रूर दे देगा।
वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं। कौन बोला आप दयालु हैं? खरगोश ने दुकानदार से कहा कि दुकानदार भैया आप दयालु हैं, है ना। किसने कहा? दुकानदार को खरगोश ने कहा कि आप दयालु हैं, दानी हैं। दानी मतलब दान करने वाले, कोई भी चीज़ अगर मांगे तो वो आप दे देते हो। दानी मतलब दान करने वाला, कोई अपनी चीज़ दूसरों को देने वाला, दानी। जीवों पर दया करने वाले हैं, जीवों पे दया करते हैं। अब ये सारी चीज़ें दुकानदार, खरगोश दुकानदार को कह रहा है कि आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं। खरगोश दुकानदार को मीठी मीठी बातें बोल रहा है ना। वो उसे गुड़ खाना है, अब मीठा बोलेगा तभी वो खुश होगा। और कड़वा बोल देगा कि नहीं दुकानदार मुझे गुड़ दे ही दे, तो वो दुकानदार गुस्सा हो जाएगा। तो वो दुकानदार को खरगोश अपनी मीठी बातों से गुड़ मांग रहा है कि भी आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पे दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, जो आप दुकान लेके दुकान चला रहे हैं उसमें आपको बहुत बरकत हो, बहुत आपका कारोबार आगे बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा सा गुड़ देंगे। अब सबसे पहले तो खरगोश ने दुकानदार की तारीफों के फुल मान दिए कि भाई आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पे दया करते हैं, आपको कारोबार बढ़े। उसके बाद में सबसे बाद में उसने गुड़ मांगा। दुकानदार तो पहले ही खुश हो गया। अगर खरगोश पहले ही गुड़ मांग लेता तो दुकानदार सोचता कि इसको गुड़ चाहिए इसीलिए ये मेरी तारीफ कर रहा है। तो खरगोश ने पहले दुकानदार को खुश किया और उसके बाद में गुड़ मांगा। अब खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। क्या हो गया? खरगोश की प्यार भरी मीठी बातें सुन के दुकानदार बहुत खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। किसने किसे गुड़ दे दिया? दुकानदार ने खरगोश को गुड़ दे दिया। और खरगोश की बातें सुन के कौन खुश हो गया था? दुकानदार खुश हो गया था, है ना। तो दुकानदार ने खरगोश की बातों से खुश होकर गुड़ दे दिया। अब खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा। किधर भागा खरगोश? खरगोश खुशी से, अब खुशी किस बात की हुई खरगोश को? क्योंकि दुकानदार ने उसे गुड़ दे दिया था। अब खरगोश का मन था गुड़ खाने का, उसने मीठा बोला तो दुकानदार ने खरगोश को गुड़ दे दिया। आपको भी अगर कोई चीज़ चाहिए होती है और वो आपको मिल जाती है तो आप कितना खुश होते हो। वैसे ही खरगोश भी गुड़ पाके बहुत खुश हो गया था और वह खुश होके दुकान जंगल की तरफ भाग गया था, ठीक है। अब वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। कौन गुड़ खाने लगा? खरगोश। किसके नीचे बैठ के गुड़ खाने लगा? पेड़ के नीचे बैठ के गुड़ खाने लगा। इतने में एक लोमड़ी वहाँ आ गई। कहाँ आ गई? खरगोश के पास। खरगोश जिस पेड़ के नीचे बैठ के गुड़ खा रहा था वहीं पे जंगल में लोमड़ी खरगोश के पास आ गई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। अब खरगोश को पता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है, वो उससे गुड़ चुरा लेगी, ले लेगी वो उससे गुड़। तो लोमड़ी को देख के खरगोश ने अपना गुड़ छिपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी, बोलते भी है ना लोमड़ी जैसी चालाक, तो लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। उसने गुड़ को देख लिया था पहले से ही, खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने पहले से दूर से ही आते हुए देख लिया था। तो वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए? किसने किससे पूछा? लोमड़ी ने खरगोश से पूछा कि तुम गुड़ कहाँ से लाए, बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब लोमड़ी तो सीधा ही डरा धमका के बोलने लगी, मुझे बताओ तुम गुड़ कहाँ से लाए हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। किसने कहा? लोमड़ी ने खरगोश को डराया, धमकाया कि भाई तुम मुझे सही से बता दो तुम गुड़ कहाँ से लाए हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। अगला पाठ, जो बाकी का पाठ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।